डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेल कंपनी को फायदा पहुंचाने के चलते केंद्र सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने के बाद भी देश में उपभोक्ताओं को गिरती कीमतों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक सहित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगनिया आदि ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बढ़ी हुई कीमतें घटाई नहीं गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज पूरा देश जो है कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की तब से लेके हमारे लाखों प्रवासी भाई बेरोजगार हो गए हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ऐसे में सरकार लगातार मध्यम वर्ग पर, किसान पर और बेरोजगारों पर लगातार महंगाई की मार मारे जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल के दाम से डीजल के दाम अधिक बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर जिले में पेट्रोल और डीजल के जो इतनी आसमान छूंगी महंगाई, उसके खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी यहाँ एक धरना प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल का दाम है, देखो ये क्या विपदा पड़ गई। ये कोरोना काल में लोग अपने आर्थिक स्थिति से उभर नहीं पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी आपदा क्या आ गई जो पेट्रोल डीजल के दाम इतने आसमान छू गए। और देखिए, सब्जी के दाम अगर पेट्रोल डीजल आसमान में छू गए तो समझिए राशन का दाम बढ़ने हैं, ये सब्जी के दाम बढ़ गए, टमाटर 80 रुपया किलो हो गया, वही प्याज, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई। और आज जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बीपीएल और अंत्योदय को 25 किलो चावल और 18 किलो गेहूँ देने का काम किया था 2 रुपए किलो। आज ये कौन सा 4 किलो प्रति यूनिट प्रति राशन का 5 किलो चावल देके किसका पेट भरेंगे। आज जनता त्राहिमान है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगर ये महंगाई में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रोकथाम नहीं की, हम सड़कों में लेटेंगे और जेल जाने को भी लेटेंगे। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल और डीजल के दाम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहताशा वृद्धि कर दी है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह आंदोलन कर रही है, हर पेट्रोल पंप के बाहर बैठ रही है और जनता को बताना चाहती है कि ये सरकार एक वादा करके आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज हमें पता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा कहीं कहाँ अच्छे दिन है। ये हम ढूंढ रहे हैं, अब कुछ समय बाद हम टॉर्च लेके पूरे अच्छे दिनों को ढूंढेंगे इसी बागेश्वर जिले में, पूरे बागेश्वर और कपकोट विधानसभा में, कि जब मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ और अच्छे दिन लाएंगे, पता नहीं हम अच्छे दिन कहाँ ये भूल गए। क्योंकि आज एक दूसरी मार गरीब पर क्यों पड़ी है, क्योंकि मिट्टी का तेल इन्होंने बंद कर दिया। बहुत से गरीब लोग इस पेट्रोल पंप से डीजल लेके जाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। आज डीजल के दाम आप देख रहे होंगे 75-80 रुपया जा रही है। इससे इन्होंने वादा कर रखा था कि गरीबी हट जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गरीबों को ही हटाने के चक्कर में है। बड़े अफसोस की बात है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सबसे निचले स्तर पर है, $40 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, जब कांग्रेस के सरकार भी $128 प्रति बैरल तेल था, तब भी 70 से ऊपर नहीं गया। आज 40 रुपया प्रति बैरल डॉलर प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो 80 पार कर चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, वहाँ 50 से ऊपर जिसकी कीमत नहीं है पेट्रोल डीजल की, क्या कारण है? केवल भारत में इतनी महंगाई है। जो मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ, देश के समस्याओं को समाधान करने के लिए सत्तारूढ़ की जनता से जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता को उन्हें छलाया, ठगा है और अपने तिजोरी भर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे किराया दूने से भी ज्यादा बढ़ा दिया, इससे बड़ा अत्याचार जनता के साथ क्या हो सकता है। एशियन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।